कावल लखनऊ उत्तर प्रदेश से है। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से छात्रपति साहू जी महाराज की जयंती आरक्षण अधिकार दिवस के रूप में सामाजिक न्याय सम्मेलन आयोजित सहकारिता भवन सभागार लखनऊ में किया गया। सम्मेलन में विधानसभा सदस्य ओम प्रकाश राजभर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत किए। उत्तर प्रदेश में 75 जिले से आए सदस्य पदाधिकारी संगठन सम्मेलन में शामिल हुए। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आर पी सिंह अम्बेडकर ने छात्रपति साहू जी महाराज की जयंती उपलक्ष्य में आयोजित सम्मेलन और संवैधानिक मांगों को लेकर जानकारी दी। प्राइम बिगे न्यूज चैनल के लिए खुर्शीद आलम लखनऊ उत्तर प्रदेश। देखिए आज जो लखनऊ के सहकारिता भवन में छत्रपति साहू जी महाराज की 148वीं जयंती के अवसर पर आरक्षण अधिकार दिवस के रूप में सामाजिक न्याय सम्मेलन का आयोजन हुआ है और प्रदेश के 18 मंडलों और 75 जिलों से लोग यहां पहुंचे। हमारे मुख्य अतिथि आज इस कार्यक्रम के रहे श्री ओम प्रकाश राजभर जी, पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधानसभा सदस्य हैं, और हमारे विशेष अतिथि रहे पूर्व सांसद श्री लालमणि प्रसाद जी, और हमारे तमाम कार्यकर्ता प्रदेश भर के यहाँ आज पहुँचे हैं। तो आज का जो मुख्य एजेंडा है वो ये है कि जो वंचित वर्गों की मूलभूत मांगे हैं, संवैधानिक मांगे हैं, उनको सरकार पूरा करे, आरक्षण को कानून बनाया जाए और संविधान की अनुसूची में रखा जाए, 9वीं अनुसूची में। परिणतियों में आरक्षण का कानून सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है उसे लागू किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार से भी हमारा आग्रह है कि उसे लागू करें। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वंचित वर्गों को समानुपातिक आरक्षण दिया जाए, सरकारी विभागों का निजीकरण बंद किया जाए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू की जाए और सामाजिक और आर्थिक न्याय का एजेंडा पूर्ण करने के लिए भारतीय संविधान को अक्षर से लागू किया जाए। इन मुद्दों को लेकर के हमने ये सम्मेलन आज किया है, प्रस्तावित किया गया है और प्रधान गवर्नर साहब को और मुख्यमंत्री जी को हम लोग ज्ञापन भेज रहे हैं इसका, और माननीय मुख्य अतिथि जी को भी हमने विधानसभा में हमारी आवाज़ उठाने के लिए, वंचित वर्गों की आवाज़ उठाने के लिए इसका ज्ञापन सौंपा गया है और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मानसून सत्र में, पार्लियामेंट के मानसून सत्र में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में देश भर के आरक्षण समर्थक और आरक्षित वर्ग के आंदोलनकारी और राजनीतिज्ञों को बुला करके हम अपनी समस्याओं पे लंबी बातचीत करेंगे और आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे और देश में आरक्षण को लेकर के एक विशाल आंदोलन खड़ा होने जा रहा है। पिछले 11 सालों से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी को हमें और धार देनी है और आरक्षण विरोधी ताकतों को का सामना हम करने को तैयार हैं। आरक्षण किसी भी सूरत में खत्म नहीं होने दिया जाएगा और भारत के संविधान को सुरक्षित रखते हुए वंचित वर्गों के अधिकारों को हम सुरक्षित रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।